हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 7 से हिंदी का चैप्टर 15 के कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। आंसर है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीजों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। बच्चों, जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता का व्यंजन बर्गर नूडल का चलन भी बहुत बढ़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। बच्चों, मसलन मैं उत्तर भारतीय हूँ। हमारा भोजन रोटी चावल दाल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज्यादा इडली सांभर, चावल चने राजमा, पूरी आलू बर्गर आदि अधिक पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम यह बाजार से ना लाकर घर पर ही बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? आंसर है, खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। पहला, भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलना। सेकंड है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। थर्ड है, अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बने रहना। फोर है, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। फाइव है, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना। बच्चों, सिक्स क्वेश्चन है कि स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना, सेवन समय की बचत होना। खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। पहला है, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। सेकंड है, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। थर्ड है, कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित ना होना। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है? आंसर है, खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े वो आगरे के पेठे, नमकीन आदि। पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई न कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। बच्चों, भले ही ये चीजें आज देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन ये शहर परसों से इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतना विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी ने कई व्यंजनों से भली भांति अवगत परिचित भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझान इनकी ओर कम होता जा रहा है। हाँ, 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक कहकर परोसने लगे हैं। बच्चों, फोर क्वेश्चन है, छोंक,
चावल, कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। आंसर, छौंक, चावल और कढ़ी में निम्न अंतर है। बच्चों, छौंक या प्याज, टमाटर, जीरा वो अन्य मसालों से बनता है। कढ़ाई या किसी छोटे आकार के बर्तन में घी या तेल गर्म करके उनमें स्वाद अनुसार प्याज, टमाटर वो जीरे को भुना जाता है। कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इलायची वो लौंग आदि भी डाले जाते हैं। छौंक जितना चटपटा बनाया जाए सब्जी उतनी स्वादिष्ट बनती है। बच्चों, चावल, चावल कई प्रकार से बनते हैं, जैसे उबले यानी सादा चावल, एक भाग चावल और तीन भाग पानी डालकर उबालकर बनाना, चावल पकने पर फालतू पानी बहा देना। पुलाव, चीरे और प्याज को घी में भूनकर चावलों में छौंक लगाना, खूब सारी सब्जियां डालकर पकाना, इसमें पानी नाप कर डाला जाता है, जैसे एक गिलास चावल तो दो गिलास पानी। कई बार सब्जियों को अलग पकाकर चावलों में मिलाया भी जाता है। बच्चों, खिचड़ी, चावल को दाल के साथ मिलाकर बनाना, इसमें पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है, जैसे एक भाग चावल, आधा भाग दाल व तीन से चार भाग पानी। पकने के बाद जीरे व गरम मसाले का छौंक लगाया जाता है। बच्चों, 5 क्वेश्चन है कि खान पान के मामले में शुद्धता का मसाला काफी पुराना है, आपने अपने अनुभव में किस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। आंसर है, खान पान के मामले में गुणवत्ता यानी शुद्धता होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता अनेक बीमारियों को जन्म देती है। आजकल खाने पीने वाले पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है। बच्चों, उदाहरण के तौर पर हल्दी वो काली मिर्च ऐसे पदार्थ है जिसमें मिलावट आमतौर पर देखी जा सकती है। हल्दी में मिट्टी व काली मिर्च में पपीते के बीज का मिश्रण होता है। इसके अलावा दूध में भी पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। आज के मुनाफाखोरी के युग में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बच्चों, आज मुनाफाखोरी के युग में लोग कोई भी समझौता करने को तैयार है। लोगों को स्वास्थ्य की फिक्र जरा भी नहीं है। वास्तव में ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लीवर की खराबी, सांस संबंधी रोग, पीलिया आदि रोगों को जन्म देते हैं। सब्जियों में डाले जाने वाले केमिकल से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मिलावटखोरों के प्रति सजग होकर खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट का विरोध करना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।